तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो फेक ऑफर लेटर होते हैं उससे कैसे बचें। कई बार होता है कि आप किसी बड़ी सिटी में जाते हो और वो बताते हैं कि आपका इस MNC कंपनी में प्लेसमेंट हो गया, इस MNC कंपनी में प्लेसमेंट हो गया और आप वहाँ पे पैसे देके फंस जाते हो, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो फेक ऑफर लेटर होता है वो 90% या 99% आपको किसी कंसल्टेंसी से मिलता है। अभी होता क्या है कि उनके वो naukri.com से क्या करते हैं, आपकी CV परचेस कर लेते हैं, मतलब उनके पोर्टल पे जाके लॉगिन किया, उनको उनके जो चार्जेस होते हैं वो naukri.com को पेड किया और इसके बाद में वहाँ से आपकी CV निकाल ली कि वो व्हाटएवर वो किसी भी प्रोफाइल के हो सकते हैं या किसी के भी वो CVs हो सकते हैं। अभी क्या करते हैं कि वो लोग उस CV से जब आप अपडेट करते हो और आपको कॉल करते हैं तो उस चीज़ से वो ये समझ जाते हैं कि हाँ आपको इमीडिएट जॉब की रिक्वायरमेंट है और आप क्या उनके लिए कर सकते हो, क्योंकि बात करने से वो पता चल जाता है कि आप एक फ्रेशर हो या आप एक एक्सपीरियंस हो। क्योंकि जब आप फ्रेशर होते हो तो कुछ आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो डिफरेंट होता है, और जब आप एक एक्सपीरियंस बेस्ड कैंडिडेट होते हो तो आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो एक डिफरेंट होता है। तो इस चीज़ से वो आपको समझ जाते हैं कि आप आगे क्या उनके साथ कर सकते हो। तो होता क्या है, बेसिकली वो आपको कॉल करेंगे कि हाँ आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया है इस डेट में इतने टाइमिंग पे, आप वहाँ पे रीच आउट कर देना, मैं आपको फॉर्मली ईमेल डाल रहा हूँ और उसके बाद उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह सारी चीज़ें आपको मेंशन होंगी। इसके बाद आप क्या करते हो, उस कंसल्टेंसी में विजिट करते हो, वहाँ पे जाते हो और जो कंसल्टेंसी के एम्प्लॉय होते हैं, जो वो कंसल्टेंसी रन कर रहे होते हैं उन्हीं के जो एम्प्लॉय होते हैं, किसी कैबिन में आपको ले जाके वहाँ पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट करा देते हैं और वहाँ पे आपको बताएंगे कि नहीं आपका TCS में हो गया, विप्रो में हो गया, HCL में हो गया, सैमसंग में हो गया, सोनी में हो गया, मतलब जितनी भी MNCs कंपनी है, तो उसमें से फिर आपको बोलते हैं कि नहीं इन तीन कंपनी से आपके लिए ऑफर लेटर रिलीज हो गया है, हो सकता है या हो गया है। जैसे सपोज उन्होंने बता दिया कि विप्रो, TCS या टाटा, तीन कंपनी से आपके लिए उन्होंने बता दिया कि तीन कंपनी से आपके लिए ऑफर लेटर आ सकता है या आ गया है। अब आपको कंपनी चूज़ करनी है कि कौन सी कंपनी में जाना है। तो अभी क्या होता है, वो सेम ऑफर लेटर तो पता ही है, आपको डायरेक्ट कर सकते हो या ऑनलाइन सर्च करके आपको वहाँ पे खुद मिल जाते हैं उनके ऑफर लेटर्स वगैरह, वो कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। अब वहाँ पे बात आती है कि चार्ज की, वो बोल रहे हैं कि आपको पहले सिक्योरिटी फीस जमा करनी पड़ेगी 10,000 रुपये, 5,000 या 2,000, व्हाटएवर, ये कंसल्टेंसी का अलग अलग अपना चार्जेस होता है, अपना अलग अलग वो लोग फीस लेते हैं कैंडिडेट से। तो उसमें होता क्या कि जब भी होता है ना, तो आप उनको 1,500-2,000 रुपये दे देते हो, इसके बाद में वो नॉर्मली सेव वर्ड फाइल उनके पास सेव्ड होती है, बस वहाँ पे जाके सिर्फ नाम चेंज करते हैं और वो प्रिंट आउट निकाल के आपको ऑफर लेटर दे देते हैं और आपका पैसा वहाँ पे जितना भी आपने दिया है वो वहाँ पे आपका सबमिट हो जाता है। अब क्या होता है कि आप वेट करते हो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, तो वहाँ पे तो पता नहीं होता है किसी को और आपको भी नहीं पता होता। इसके बाद जब आप सेकेंड टाइम विजिट करोगे तो फिर वहाँ पे वो सुनते नहीं है और उनके लिए आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि उनके आसपास आप अगर सोचोगे कि नहीं उनके ऊपर केस कर दें या कुछ उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें तो ऐसा कुछ होता भी नहीं, क्योंकि उनके आसपास एरिया में अच्छे खासे लिंक होते हैं जो ये बिजनेस करते हैं जो इस लाइन में जाते हैं, उनके आसपास के अच्छे खासे लिंक्स होते हैं, तो आप उनका कुछ कर भी नहीं सकते हो। तो बेसिकली क्या होता है कि वो आपको ऑफर लेटर पकड़ा देंगे और आपका वहाँ पे पैसा डूब जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि कभी भी आप जाते हो कंसल्टेंसी में, अगर पैसे की बात है तो वहाँ पे कभी भी मत फंसना और कभी भी उनको 1 रुपया भी मत देना जॉब के नाम पे। अगर इन केस आप अगर ये सब करते हो तो समझ लो आपका पैसा फंस रहा है या आपका पैसा डूब रहा है, वहाँ से आपको कंसल्टेंसी से कोई भी जॉब नहीं मिलने वाली। हाँ, इन केस अगर 50% होता है, 50% में उस बेस में मैं मानता हूँ कि अगर वो बोलते हैं कि पहले प्लेसमेंट करवाएंगे फिर आपकी सैलरी से डिडक्ट करेंगे, जितना भी उनका अमाउंट है 10,000, 20,000, 50,000 व्हाटएवर जितना भी अमाउंट है वो आपकी सैलरी से डिडक्ट करेंगे, हाँ वहाँ पे आप जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन पहले पैसे किसी को मत देना जॉब के नाम पे। आई होप आप समझ गए होगे और आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली में फेक ऑफर लेटर कैसे मिलते हैं या किस तरीके से वो प्रोवाइड करते हैं और किस तरीके से आपका पैसा फंस जाता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम अशोक, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।